जहां सभी को इंतजार है, 14 घंटे बचे हैं जब मतगणना शुरू होगी। नतीजों का दिन पूरा देश जनादेश का इंतजार कर रहा है। 16 मार्च से शुरू हुआ चुनाव प्रचार 75 दिन चला। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोट डाले गए। अब कल पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और देश को मिलने जा रही है नई सरकार। मतगणना यानी कि काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने शुरू होंगे। इसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। 1 जून को इंडिया अलायंस ने सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने मान लिया है। काउंटिंग शुरू होने के शुरुआती 4 घंटों के बाद यानी कि दोपहर 12 बजे तक रुझान आने शुरू होंगे और करीब 2 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो कल मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के समेत लोकसभा की 543 सीटों पर नतीजे सामने होंगे। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतगणना की तैयारियों की चर्चा की। ये भी कहा कि अब ये हमें इन चुनावों से एक सीख मिली है कि अगले चुनाव अप्रैल महीने तक ही करा लिए जाएंगे। जिस तरह 7 चरणों में चुनाव हुए, लंबे हो गए, गर्मी का सितम, उससे पहले शादियों का सीजन और स्लो वोटिंग भी इसकी वजह से देखने को मिली, लेकिन अब गर्मियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह कहा कि वो सबक लिया है कि अगली बार चुनाव अप्रैल महीने तक ही खत्म करवा दिए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। नेगेटिव नैरेटिव से चुनाव कर्मियों को ठेस पहुंचती है, वो आहत होते हैं, क्योंकि वो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में समर्पित रहते हैं। तो देश की 543 लोकसभा सीटें, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, हर कोई इंतजार कर रहा है जनादेश का। नतीजे कल आएंगे। वोटों की गिनती के लिए एमपी में कुल 52 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भिंड, नीमच और देवास की तस्वीरें। हर जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में काउंटिंग के लिए 33 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। अब बात करते हैं नतीजों से पहले दावों की। उमा भारती ने कल आने वाले नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। उमा भारती ने दावा किया है कि एनडीए को 450 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। सोशल मीडिया एक्स पर उमा भारती ने लिखा, साधु संत भी मोदी के मुरीद है। कन्याकुमारी में मोदी जी ने तो 450 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। ये उमा भारती का पोस्ट, साधु संत भी मोदी के मुरीद है। कन्याकुमारी में मोदी जी ने जो किया वो अलौकिक है। मोदी जी भारत को मिले मसीहाई व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री हैं। तो उमा भारती ने भी यह दावा किया है कि 450 से कम सीटें नहीं मिलेंगी, 450 से ऊपर का ही रहेगा आंकड़ा। मतगणना शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, उससे पहले एग्जिट पोल और ईवीएम को लेकर जुबानी जंग भी चल रही है। एक तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल को नकार रही है और दूसरी तरफ ईवीएम पर अभी से सवाल खड़े कर रही है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर बीजेपी 300 पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट होगा। तो वहीं अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है, और उसके बाद यदि 300 पार
तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। बिल्कुल सही बात है, लगातार सभी इंडिया गठबंधन दल के नेता, इंडिया गठबंधन के दल ये मांग करते रहे हैं चुनाव आयोग से कि जिस तरह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना का कार्य कराएं और कहीं कोई इसमें गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। वही चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के आरोपों को लेकर उठाया सवाल जवाब दिया और कहा कि अगर नैरेटिव नेगेटिव बनाए जाते हैं तो उससे मुश्किल हालात में काम करने वाले चुनाव कर्मियों को ठेस पहुंचती है। कोई कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, बुरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं, ये मैं दिखाऊंगा। और जब नेगेटिव नैरेटिव बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। 4 जून को रिजल्ट अपने पक्ष में आने की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस अभी से ही जश्न मोड में आ चुकी है। जी हां, कांग्रेस अपने मुख्यालय में तमाम तरह की तैयारियां कर रही है। सूत्रों का कहना है कि नतीजे पक्ष में आने पर बड़ा जश्न होगा। हालांकि इस पर फाइनल मोहर तो कल ही लगेगी, लेकिन देखिए तैयारियां कांग्रेस खेमा भी शुरू कर चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव की मतगणना में अब कुछ घंटों का समय बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दफ्तर पूरी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं कि जब मतगणना होगी तो उनके कार्यकर्ता जश्न का माहौल बना सकें। इंडिया गठबंधन यूं तो दावा कर रहा है कि 295 प्लस सीटें जीतेगा, हालांकि एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिखाई गई है। हम इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। मेरे पीछे आप देखें तो कांग्रेस मुख्यालय में बाकायदा मतगणना के दिन के लिए तैयारी हो रही है। जश्न का आगाज हो सकता है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो सभी राष्ट्रीय पार्टियां उनके दफ्तरों में तैयारी हो रही है। इस वक्त आप देखें तो कांग्रेस मुख्यालय का जो मेन ग्राउंड है उसमें पंडाल लगाया गया है। सामने अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम जो एसी हैं वो नजर आएंगी, यानी कि कल की एक बड़ी तैयारी की जा रही है ताकि जब मतगणना हो तो जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के एजेंट्स हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे। कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनके जरिए बीजेपी माहौल बनाना चाहती है और वो चाहती है कि जो एजेंट्स हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, उनका मनोबल गिरे और वो काउंटिंग के दिन एक्टिव ना रहें। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस दफ्तर में बाकायदा तैयारियां चल रही हैं। शिवम प्रताप, नरोगे टीम, दिल्ली। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में काउंटिंग से पहले बीजेपी ने 400 सीट हासिल करने का यज्ञ शुरू किया है। इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 400 सीट हासिल करने के यज्ञ का आयोजन किया गया, इसमें आहुतियां दी गई। वहीं बीजेपी के यज्ञ पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि एग्जिट पोल पक्ष में आने के बावजूद बीजेपी डरी हुई है और इज्जत बचाने के लिए भगवान की शरण में है। भारतीय जनता पार्टी का डर है, घबराहट है। एग्जिट पोल सेटिंग करने के बाद भी उनको यह समझ नहीं आ रहा है, उनको भरोसा नहीं है कि उनकी सरकार वापस आएगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कुछ वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये भगवान की पूजा पाठ की शरण में पहुंच गई है। हे भगवान, इज्जत बचाओ, क्योंकि इनकी सरकार की वापसी संभव नहीं है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश में क्या इस समय सियासी सुगबुगाहट है, तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, कल नतीजों को लेकर चुनाव आयोग ने किस तरह से तैयारियां की हैं, वो तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप रायपुर के देख रहे हैं जहां पर यज्ञ किया गया है और खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से वासु चौरे, रायपुर से आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले भोपाल चलते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी। वासु, ये बताएं कि भोपाल में किस तरह तैयारियां हैं,
कल की मतगणना को लेकर और क्या कह रहा है वहां का सियासी पारा? अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कल के लिए खास तैयारियां की हुई हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो वॉर रूम बनाया गया है पीसीसी दफ्तर में, और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पूरे समय मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने एक लीगल टीम भी तैनात की है, अगर किसी भी लोकसभा क्षेत्र से कोई शिकायत आती है काउंटिंग के दौरान तो वो लीगल टीम उस पर तत्काल कार्रवाई करने का काम करेगी। टीम पूरी तैयारी में रहेगी कि अगर चुनाव आयोग किसी शिकायत को लेकर है तो उसका काम भी किया जाएगा। एक वरिष्ठ नेताओं की टीम तैयार की गई है जो पूरे जो काउंटिंग की जो पूरी प्रक्रिया चलेगी उस पर अपनी नजर बनाए रहेगी, और लगातार जो प्रत्याशी हैं उनसे फोन पर जो बड़े नेता हैं वो संपर्क में रहेंगे। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी दफ्तर में दिन भर मौजूद रहेंगे, और बीजेपी साथ में ये भी दावा कर रही है कि हम लोग बड़ी मध्य प्रदेश में लंबी मार्जिन से और बड़े अंतर से सीटों पर चुनाव जीतेंगे। तो वहां पे जश्न को लेकर भी जो एक माहौल है वो बीजेपी की ओर से कहा गया है कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी में भी ठीक कांग्रेस की तरह ही वॉर रूम जैसा एक जो सेल है वो पूरा बनाया गया है, और वहां से तमाम बड़े नेता हर गतिविधि पर नजर रखेंगे, लगातार अपने प्रत्याशियों से, पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क में रहेंगे। कल इतने टाइम तक लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि देश में नई सत्ता किसके हाथों आती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने अपने दावे कर दिए हैं, जनता ने अपना वोट दे दिया है, अब सिर्फ इंतजार है मत पेटियां खुलने का, और मत पेटियों की जैसे ही काउंटिंग के रिफ्लेक्शन सामने आने लगेंगे, कभी बीजेपी दफ्तर में तो कभी कांग्रेस दफ्तर में ढोल नगाड़े बजते हुए सुनाई देंगे। जी बिल्कुल, आकाश शुक्ला आप बताएं कि वहां छत्तीसगढ़ में क्या है, रायपुर में किस तरह की तैयारियां की गई हैं बीजेपी कांग्रेस की ओर से? दो महत्वपूर्ण जानकारी जानने की जरूरत है। पहला, प्रशासनिक तैयारी जो काउंटिंग को लेकर है, यहाँ सभी जिलों में काउंटिंग को लेकर प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, पूरे टीम तैनात कर रखी है, इसके साथ ही ड्यूटी भी लगा दिया गया है। आज प्रशिक्षण भी दिया गया कुछ अधिकारियों को कि किस तरीके से मतगणना होगी और किस तरीके से जानकारियां आएगी। इसके साथ ही हम अगर पॉलिटिकल तैयारियों को देखें तो सबसे ज्यादा उत्साहित भाजपा है, जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है और जनादेश दिखाई दे रहा है, एक अनुमान के मुताबिक जो भाजपा ने लक्ष्य रखा था वो पूरा होते कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें, 11 सीटें हैं, यहां भी क्लीन स्वीप लगभग मिलते दिखाई दे रही है जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहा है। ऐसे में भाजपा पूरी तरह उत्साहित है और वो उत्साह मनाने के लिए वैसे ही तैयारी कर रखे। अगर भाजपा दफ्तर की बात करें तो पंडाल लगे हैं, वहां पर मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है, पटाखे तैयार कर लिए गए, जिला स्तर पर भी यही तैयारी है, स्टेट मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है भाजपा मुख्यालय को, जहां पल पल की खबर रहेगी। मॉनिटरिंग सेंटर में जो मतगणना की तमाम जो जानकारी है, कार्यकर्ता जहां ड्यूटी लगा रहेगा वो दिया जाएगा। इसके साथ ही जहां भी बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हैं वहां पे बड़ी रैली निकाला जाएगा, आयोजन किया जाएगा। जो कैबिनेट मंत्री थे, अलग अलग मंत्रियों को अपने क्षेत्र का प्रभार दे दिया गया है ताकि उत्सव के दौरान वो जिम्मेदारी वहां की संभाल सके। इस तरीके से तमाम तैयारियां भाजपा ने भी कर रखी है और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, अगर उनके कोई प्रत्याशी जीतते हैं तो इसी तरह से। जी बिल्कुल आकाश, आपने डिटेल में बताया कि प्रशासनिक तैयारी किस तरह से है और जो सियासी दलों की तैयारियां हैं वो है, और हमारी तैयारी लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं टीवी स्क्रीन के जरिए, उनको तमाम जानकारी दे भी रहे हैं, और लगातार हम हर एक चीज आप सभी की मदद से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, वासु आपका भी धन्यवाद। सबसे तेज नतीजे आप देख पाएंगे न्यूज 18 नेटवर्क पर, और समय एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं।